देखिए बच्चे, आज पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, पॉलिनोमियल के बारे में जान लीजिए। इससे भी क्वेश्चन आता है, तो पॉलिनोमियल नाइन्थ से भी पढ़ रहे हैं, टेंथ में भी पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है, देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन एक्स पावर एन वेयर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन एंड ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर से मतलब होता है, आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर, इसका मतलब होता है रियल नंबर, यानी ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट एन रियल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये आपका पॉलिनोमियल है। सिर्फ पॉलिनोमियल अगर थ्री को भी लिख सकते हैं, क्योंकि थ्री को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू एक्स पावर जीरो। देखिए, एक्स पावर जीरो है यानी थ्री इंटू वन, इसका मतलब होता है तो थ्री आ जाएगा, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ये सब है, फोर बाई थ्री एक्स प्लस फाइव, ये सब पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जो है कई एक टाइप का होता है, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं अभी जो टेंथ में पढ़ा है। पॉलिनोमियल पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये डिफिनेशन हो गया। दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि लीनियर इक्वेशन यानी एक डिग्री का, द पॉलिनोमियल ऑफ द वन डिग्री, द पॉलिनोमियल ऑफ वन डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ वन डिग्री, वन डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जो एक डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस बी होता है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल, थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आएगा, एक डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जिसमें एक डिग्री होता हो, जिसका पावर वन डिग्री है, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह से दूसरा होता है, तीसरा में अब आ जाते हैं, सेकंड पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें होता है द पॉलिनोमियल ऑफ टू डिग्री, टू डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द टू डिग्री के वर्ग को पॉलिनोमियल कहते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर वी आर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बंद कर दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल जीरो, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ भी इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसी तरह से 2x² माइनस 1, ये भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, या 3/2x² माइनस 5x, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। तो अब इससे के अनुसार देखिए, इसके अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो a इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू माइनस 2 है, सी इक्वल टू 5 है। इसमें ए इक्वल टू 2 है, बी 0 है और सी इक्वल टू माइनस 8 है। इसमें ए इक्वल टू 3/2 है, बी इक्वल टू माइनस 5 है, सी 0 है। इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का आपको एग्जांपल बता दिए। अब नेक्स्ट होता था क्यूबिक पॉलीनोमियल द पॉलीनोमियल ऑफ थ्री डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। देखिए, इसमें 3 डिग्री के पॉलीनोमियल को क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल इज x³ + bx² + cx + d, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है, जो 3 डिग्री का होता है उसको क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x³ + bx² + c + d, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हुआ। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का अब एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 2x³ - 6x² + 5x + 8, ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें 3 डिग्री मस्ट है होना। तो अगला एग्जाम्पल हो सकता है x³ - 6x + 8, ये भी सही है। 5x³ - 32x² - 4, ये भी आपका है। ये सब क्यूबिक पॉलीनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। अब अगला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसमें होता है द पॉलीनोमियल ऑफ फोर डिग्री इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसमें 4 डिग्री का पॉलीनोमियल होता है, इसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज ax² + bx² + cx² + d, वेयर
ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जिस तरह से उधर था इधर स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ये आपका बाय क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, जिसमें 4 डिग्री का मस्ट है तो बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये दोनों तीनों नहीं भी रह सकता तो भी हो सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपका क्वेश्चन पकड़ाता है। तो आपका ये हो गया आपका पॉलीनोमियल का टाइप्स, इतने टाइप्स का पॉलीनोमियल है 10th में पढ़ना। आप बताने जा रहे हैं कि वेल्यू कैसे निकलता है पॉलीनोमियल का, अब इसके बारे में, द वेल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, छठा, द वेल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, अब देखिए बच्चे डिफरेंट टाइप का पॉलीनोमियल बता दिए। पहला बताया लीनियर पॉलीनोमियल, जिसमें एक डिग्री होता है, जिसमें एक ही डिग्री रहता है उसको लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 डिग्री रहता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 डिग्री होता है क्यूबिक होता है, जिसमें 4 डिग्री होता है इसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए। अब है वेल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, तो वेल्यू ऑफ पॉलीनोमियल जो निकालने का तरीका है उसमें मैथ बनेगा वो देखिए। इफ पी एक्स इज द पॉलीनोमियल इन एक्स एंड अल्फा इज द रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ 10 बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। अगर एक्स इक्वल टू हम अल्फा पुट करेंगे तो पी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अगर कोई अंक है, अगर एक्स इक्वल टू अल्फा की जगह पर कोई 2 रहेगा तो जो पी एक्स इस तरह से दिया रहेगा उसमें एक्स जगह पर 2 डाल देंगे तो वेल्यू पॉलीनोमियल 2 का हो जाएगा। तो इसमें अल्फा अननोन में अभी बता रहे हैं अल्फा है, तो अल्फा के ऊपर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, -1 0 जो भी रह सकता है। तो ये डिफरेंशियल हो गया कि वेल्यू पॉलीनोमियल जो है एक्स इक्वल टू अल्फा, अगर पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है पॉलीनोमियल उसमें एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर देंगे तो वह पॉलीनोमियल का वेल्यू निकल जाएगा। अब यह पॉलीनोमियल को वैल्यू को डोनेट करते हैं, तो वैल्यू पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा इज डोनेटेड बाय पी अल्फा, पी अल्फा को डोनेट करते हैं और इसको पी एक्स में पुट कर देते हैं तो वैल्यू निकल जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, देखिए अगर पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टू, वैल्यू ऑफ पी टू, देखिए पी एक्स दिया हुआ है पी टू को वैल्यू को निकाल देना है। तो पहले लिखिए पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 4, अब पी टू का वैल्यू निकालना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 डाल दीजिए और सोल्व कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा पॉलीनोमियल का। तो 2 × 4 हो जाएगा -2n प्लस 4, 4 × 8 प्लस कितना आ गया 4, अब -2 यानी 12 − 2 यानी 0 आ गया, देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 0, यानी PX इक्वल टू 2x² प्लस -6 प्लस 4 इक्वल टू दिया हुआ था तो हमको P2 निकालना था, तो P2 का वैल्यू कितना आ गया 0, तो यही हो गया वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल P2 इज इक्वल टू 0। अब इसी पर हम P1 भी निकाल सकते हैं, P-1, फाइंड P-1। अब P-1 के लिए हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 4, तो P-1, तो जहां जहां एक्स है वहां पर 1 डाल दीजिए, -1² माइनस 6 × -1 प्लस 4, तो जाएगा 1 × 2 × 1² 1 होता है माइनस और प्लस 6 होता है प्लस 4, तो हो जाएगा 2 + 10 यानी 12 आ गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए जैसे कि आपका कोई भी वैल्यू पॉलीनोमियल निकालना है तो उसका जो दिया रहेगा पी टू अंक में उसको पी एक्स के जगह पर पी टू लिख देंगे और जहां जहां एक्स है उसको राइट साइड में 2 डाल देंगे तो आपको पी टू का वैल्यू निकल गया। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर पी टू निकालना था, पॉलीनोमियल दिया था 2x² माइनस 6x प्लस 4, तो पी टू निकालना था तो पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 4 आ गया, तो एक्स पर 2 डाल दिए, तो यहाँ पर एक्स पावर 2 का स्क्वायर डाल दिए, 6 × 2 हो गया प्लस 4, तो 2 × 4 8 आ गया, प्लस 4 एक साथ कर दिए -12, 12 − 12 0 आ गया, तो
तो पी टी इक्वल टू जीरो आ गया। इसी क्वेश्चन में पी माइनस वन निकालना है, तो जहां जहां एक्स है वहां पर माइनस वन डाल दिए, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर, तो टू इंटू वन अब माइनस माइनस प्लस सिक्स हो गया, और प्लस फोर जोड़ दें तो ट्वेल्व आ गया, तो पी वन आपका ट्वेल्व आ गया, पी टू क्या आ गया जीरो। इस तरह से वैल्यू निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।